हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत में आज इवनिंग से कर रही हूं, तो अभी 5:30 हुए पड़े, मतलब 5:30 बज गए हैं। तो भैया 5:30 बज गए हैं और यहाँ देख सकते हैं भैया किचन में खाना पीना मैंने बना दिया है। आज मैं बहुत जल्दी बना दिया है क्योंकि दिन में बहन कर रही थी सिलाई और आज उसकी छुट्टी थी, तो आज ये सुबह से स्कूल गई नहीं भाई, तो इसने आज सिला हुआ है सलवार और नहा धो लिया था मैंने। आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है ना, तो टाइम से नहीं नहाया मैंने, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था और साथ में इसके पास भी मुझे बैठना था। तो आज इसने पता है सारा दिन में, पूरे दिन में आज इसने एक साली सलवार ही सिली हुई है। क्यों स्वाती, पूरी सलवार सिली और वो भी पूरी भी नहीं हुई है। अब इसमें पैंचा लगाना बाकी है, तो भाई ये अभी पैंचा लगा रही है और पूरा दिन हो गया है। मैंने सोचा कि क्या पता आज एक सूट सिल दे, पर मजाल जो एक सूट सिल जाए। देख रहे हो क्या? देख रहे हो, इतना मुश्किल काम है ना ये, बिल्कुल बहुत कठिन काम है, पढ़ाई से भी ज़्यादा कठिन है। सुन लो, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर रील थीटा और मशीन थीटा हो रहा है और कपड़े में थीटा थीटा कर रहे हैं भाई। किस किस को ना ये काम ना मेरी तरह किस किस को लगता है कि ये काम कठिन है वो मुझे ना कमेंट में बताएं। तो भैया इसकी लैंग्वेज भी टीचर वाली जा रही है, तो रहने देते हैं, इससे ना बुलवाते हैं हम। तो हम इससे नहीं बुलवाते हैं, हम ठहरे गवार इंसान। बीएड करके पढ़े हैं ब्लॉग बनाने में और ये भैया पढ़ाने वाले ठहरे, हमको आती है शर्म, तो इनसे नहीं बुलवाते हैं ये। इनकी लैंग्वेज भी वैसी जा रही है। तो भैया बने रहना ब्लॉग में, अभी ये मेरा दिमाग खाएगी। अब ये देखो इसकी कलाकारी दिखाती हूँ, ये देखो। तो इसने पाइचे में डिजाइन बना लिए। तो भाई इसने तो पाइचे में भी डिजाइन बना लिया, पहले चौक से उसके बाद ऊपर ऊपर चढ़ाएगी, इसको उसमें बच्चों को मारती होगी और यहाँ पे खुद चौक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां भी तो करती हूँ चौक, तो यहाँ ऊपर ऊपर चढ़ा दिए ना छोटे बच्चों के जैसे। नहीं ये गलत किया, अब उधोड़ 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 क्या करना था पागल, यहाँ दे ये जो सिलाई चलाई है ना, ये दोनों सिलाई के बीच में ऐसे जरा छोटे ऐसे ऐसे कर देगा, तो इतनी छोटी सी तो तू इतनी गलत कर रही है उधर। नहीं अच्छा तो है ना, निकाल ना, वो अच्छी ना दिखा रही है यार। मम्मी कह रही यार अच्छी सी सिलन तो इन दोनों को कौन देखो सब सिलवा दी है मेरी सलवार। इतना सो उधेड़ने उधेड़ते फिर पूरा उधेड़ने पर उसका फायदा, पूरी रील भी बर्बाद होगी तेरे टाइम भी वेस्ट होगा। तो मेरे पास सिलाई वलाई सीखनी हो ना तो आ जाना, उधड़वाती ज्यादा हूँ बताती भी ज्यादा, जब बताती ज्यादा हूँ तो उधड़वाती भी ज्यादा हूँ। तो भैया गलत करने पे थोड़ा सा भी, इतना ज्यादा बताने के बाद अगर थोड़ा सा भी गलत कर दो तो तुरंत उधड़वा दो। वैसे मैंने सिलाई भी सिखाई हुई थी, तो मेरे पास बच्चे आते थे जब मैं शादी करके आई थी ना यहाँ पे, तो करीब 6-6.5 महीने मैंने बच्चों को सिलाई सिखाई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत सारे बच्चे आते थे मेरे पास, करीब 10-15 बच्चे आए थे। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तब से ना बैच ही बंद कर दिया, एक ही बार चलाया था और तब भाई क्या दिमाग मेरा ख़राब हुआ सिलाई सिखाने में, मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया ना तो उसको पूरा जरूर किया, पर आज वो बच्चे कामयाब हो गए, अपने भी कपड़े सिलते हैं और जो बाहर से आते हैं ना तो वो भी कपड़े सिलते हैं,
तो उनका भी कहीं ना कहीं मतलब फायदा हुआ कि हाँ कमा भी रहे, उन्होंने अपनी फीस भी अब तक तो कब का चुकता कर दिया होगा, और मेरा नाम भी हुआ कि हाँ उसके यहाँ से मैंने सिलाई सीखी है, तो अच्छा लगता है ना। तो आज भी आते हैं तो अच्छा लगता है मेरे पास। उनमें से काफ़ी तो एक मतलब एक मेरी बुआ की लड़की है ना, तो वो भी आती थी सिलाई सीखने के लिए, तो वो तो आजकल बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई है, मतलब काफ़ी अच्छे कपड़े सिल लेती है। तो ये देखो गुण अपना देती हो ना गुण, तो पूरा घोट 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 के कुर्ती पिला के देती हूँ। अब ये है बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट हो गई परफेक्ट हो गई है। तो आज मैंने सोचा ना कि आज ब्लॉग व्लॉग भी बनाते हैं, क्योंकि यार आपको दिखाते ही रहते हैं, यहाँ मेरा खाना पीना ही बनाने को होता है, आप कहोगे कितना बोर करते हैं ना। तो भैया हम हैं नानकमता में रहने वाले, गांव होते जैसे गांव में जाती हूँ, मेरा मायका गांव में ही है, और मेरा जो ताऊ ससुर वगैरह है ना उनका परिवार भी गांव में है, पर हमारा जो परिवार है हमारे पापा मतलब मेरे ससुर जी है ना, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना परिवार बना रखा है, यहाँ पे अपना घर वर बना रखा है, तो हम भी यहीं के हैं। तो गांव होता तो गांव में वही सारा काम दिखाते आपको जो डेली होता है, और अच्छा लगता है मुझे वो सारे काम करना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम लोग भी गांव से हैं और बचपन हमारा गांव में बीता हुआ है, तो वो सारे काम जो आप मतलब करने होते हैं ना करती हूँ, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, और हमें पता है ना किस आती पौध जैसे लगाती है। तो भाई हमने 10-10 एकड़ की जमीन की पौध 10-10 एकड़ जमीन की पौध अपने हाथों से लगाई है, तो हमने बहुत अपने टाइम पे काम किया है, अब हमें थोड़ा सा सुकून मिला है शादी के बाद। तो शादी के बाद अब हमें थोड़ा सा सुकून मिला है। तो ये क्या कहना चाह रही है पूछ लो इससे। मुझे अभी भी नहीं है सुकून, शादी के बाद भी नहीं मिलेगा लग रहा है। क्यों नहीं मिलेगा फिर शादी के बाद, क्या सुकून मिल जाए किसी किसी को है ना, अच्छा घर मिल जाता है। सुकून के दौर है मैं सुकून खाऊंगी। किधर मिलेगा सुकून, उसकी नौटंकी तो खत्म ही नहीं होती। चल सिल लेना फिर पांच में मम्मी जाओ देख जाओ है ना, यहाँ पर मशीन रखी है जो बीचों बीच, ठीक है, जो बीचों देख रहे हो ये कैसे सिलाई लगाई हुई इसने, धोना चाहता तू देख इसके जैसे बंदे मेरे को ना मिले भाई। ऐसा ही अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन ऐसा नहीं बनवा रही है। चलो भाई आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय।